हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस अस्पताल कनेक्ट एपिसोड। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लिखा है, लिख के बताएंगे हमको कि स्टडी ऑफ कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज की स्टडी को क्या बोलते हैं। क्लियर है, आप लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में कि स्टडी ऑफ कार्टिलेज की स्टडी को क्या बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कि अस्पताल कनेक्ट एपिसोड में आप क्या देखते हैं, कहता है बोन। स्टडी ऑफ बोन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। यानी कि जो जो लोग बोन की स्टडी करेंगे उनको क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। जबकि यहाँ बोन सेल को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोसाइट। जिस प्रकार वहाँ बोन स्टडी ऑफ कार्टिलेज नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि उसको सब कुछ दिया हूँ, लेकिन वहाँ ये बताऊंगा जरूर मैं कि एक एक कार्टिलेज सेल को क्या बोले थे, वहाँ कॉन्ड्रोसाइट बोल रहे थे। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ क्या है, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बोन सेल्स आर लोकेटेड इन फ्लूइड फिल्ड लैकुना। फ्रूट फील्ड लैकुना, हाँ, अब जो लोग लैकुना पहली बार समझ रहे हैं वो नेक्स्ट प्रीवियस लेयर देख कर आए तो उनको कौन सा फील होगा। कहता है कि बोन सेल्स आर लोकेटेड इन फ्रूट फील्ड लैकुना इम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स ऑफ कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स में वहाँ रहता है। क्लियर, कहता है कि वन लैकुना है ओनली वन बोन सेल, जिसको बोल रहे हैं क्या, ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं। वन लैकुना है ओनली वन बोन सेल, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्टियोसाइट बोल रहे हैं। उसको बोलते हैं क्या, अपन बोलते हैं हेवेलिन कैनाल। डायग्राम बनाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा, डायग्राम बनेगा इसका। फिर आप देख रहे हैं कि हेवेलिन सिस्टम का फार्मूला आएगा, क्या आएगा, लैकुना ऑस्टियोसाइट हेवेलिन कैनाल प्लस कैनाल कुली, फार्मूला हो गया हेवेलिन सिस्टम। इसको ध्यान रखेंगे, ये हेवेलिन सिस्टम बराबर लैकुना हो गया, ऑस्टियोसाइट्स हो गया, हेवेलिन कैनाल हो गया और कैनाल कुली हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि बोन का फंक्शन क्या है, तो बोन का फंक्शन है सपोर्ट करना, क्या करना, सपोर्ट करना, फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, बॉडी को क्या करना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बेमिट देना। क्लियर है। फिर क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है आपका बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बॉडी का इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को बोलते हैं हम लोग विसेरल ऑर्गन। चाहे वो आपका हार्ट की बात करते हो, चाहे लंग्स की बात करते हो, चाहे किडनी की बात करते हो, और अगर क्या है, विसेरल ऑर्गन्स। क्लियर है। फिर कहता है ग्रोथ मैरो इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बिल्कुल सही है, बॉडी के अंदर अपन लोग का ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो वो कहाँ होता है, बोन मैरो सेल में होता है। बोन मैरो में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल होता है। क्लियर है। तो आप यहाँ लगातार नोट्स बनाते रहिए, अब इसका डायग्राम अपन लोग देख लेंगे। क्लियर, अब हम लोग डायग्राम इसका बात कर लेते हैं। डायग्राम बना लेने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग इसमें, इसका डायग्राम किस तरह हम लोग देखेंगे। बोन्स का हेवेलिन कैनाल होगा, लैकुना होगा, कैनाल कुली होगा, है कि नहीं, मैट्रिक्स होगा, तो ये सब हम लोग डायग्राम में अभी जस्ट हम लोग देखेंगे। अब डायग्राम में देखिए, ये कंसेंट्रिक रिंग लाइन का स्ट्रक्चर होगा, इस तरह होगा, बीच में ये होगा, और अब इसके देखिए एक दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा, एक दूसरे से लगातार क्या होगा, कनेक्ट होगा, जुड़ा होगा इस तरह का। ये तो ज्यादा अच्छा नहीं बन पाया यहाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कहना था कि मैं आपको समझा पाऊँ इस स्ट्रक्चर को। ये आप देख रहे हैं, इसको बीच में आप रख लीजिए, है ना, सेंटर में, है ना, सेंटर में। तो आप यहाँ उससे क्या होगा, एक यहाँ होगा, सर एक जुड़ा हुआ रहेगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा लेकुना, लेकुना, फिर यहाँ, फिर यहाँ लेकुना, फिर यहाँ, फिर यहाँ लेकुना, और क्या होगा, सबसे दूसरे से क्या होगा, कनेक्ट होगा, जुड़ा हुआ 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 होगा। क्लियर है, कुछ ऐसा ही रहेगा। अब इसमें क्या रहेगा, मैट्रिक्स भरा रहेगा, जहाँ तक क्या रहेगा, मैट्रिक्स भरा रहेगा। क्लियर, और इसको हम जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं कैनाल कुली बोल देते हैं, कैनाल कुली बोल देते हैं, है ना। और ये सब क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है, सारा कुछ क्या है, हार्ड हार्ड मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स है, हार्ड मैट्रिक्स है, ये क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है, ये क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है। क्लियर, तो ये हार्ड मैट्रिक्स है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं लैकुना, इसको क्या बोल रहे हैं, लैकुना बोल रहे हैं, ठीक है। और ये बीच में आपका जो सिस्टम है, बीच वाले को बोल रहे हैं क्या, हेवेलियन कैनाल, इसमें भी मैट्रिक्स भरा हुआ है, इसको आपने क्या बोला, हेवेलियन कैनाल, हेवेलियन कैनाल। क्लियर है। तो ये आपका
इसको याद रखेंगे आप, किसी स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या हो गया, फिगर है आपका बोन सेल का, क्या फिगर है आपका बोन सेल का, क्लियर है। तो यहाँ तक आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, इसके बाद है ना, इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू FCT, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में। कहता है फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है ना, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज द मोबाइल कनेक्टिव है ना टिश्यू। फिर उसको होगा स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। फिर नेचर की बात करिएगा, ब्लड का भी नेचर क्या होता है, तो नेचर तो सब जानते हैं कि रेड होगा, अल्कालाइन होगा, अल्कालाइन जो कि pH आपको देखने को मिलेगा कितना, 7.4 लगता है उसको, होता नहीं है ना, एंड ओपेक, एंड ओपेक सर्कुलेटिंग बोन है ना, ओपेक सर्कुलेटिंग है ना, ओपेक, ओपेक क्या रहेगा, ओपेक सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूड, बॉडी फ्लूड है ना, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टांस, किसके लिए, वेरियस सबस्टांस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टांस के लिए रहेगा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आप क्या देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, एक ब्लड का कंपोजिशन में क्या देखते हैं, ब्लड का कंपोजिशन आप देखेंगे कि प्लाज्मा है, क्या दिखेगा आपको, प्लाज्मा दिखेगा, प्लाज्मा क्या होता है, लिविंग के अंदर लिविंग, प्लाज्मा नॉन लिविंग है, याद रखिएगा, प्लाज्मा क्या है, नॉन लिविंग है। जबकि आप इधर देख रहे हैं क्या, ब्लड सेल, ब्लड सेल में, ब्लड सेल में बहुत कुछ आ जाएगा, ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स है ना, वो लिख लेते हैं, ये सब जान चुके हैं, बेसिक लेक्चर में जान चुके हैं, RBC है, WBC है ना, प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स है, अब ये भी जान चुके हैं, सब सब नाम भी जान चुके होंगे, अरे आरबी से क्या करेंगे, क्या कहलाएगा, इरेथ्रो साइट्स बोलेंगे, इरेथ्रो साइट्स बोलेंगे, अच्छा WBC से क्या बोलेंगे, लीको साइट्स बोल देंगे, प्लेटलेट्स से क्या बोलते थे आप, थ्रोम्बो साइट्स बोलते थे कि नहीं, तो ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड आपका बात हुआ, ये क्लियर है कि नहीं। फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू में इतना तो हो गया, फ्लूड कनेक्टिव देख रहे हैं, ब्लड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्टडी ऑफ ब्लड को आपने क्या कहा, हीमेटोलॉजी, हेम का मतलब क्या होता है, ब्लड, हेम का मतलब क्या होता है, ब्लड है ना, एलर्जी का मतलब क्या हो गया, स्टडी हो गया। फिर कहता है नेचर की बात की आपने, तो रेड अल्कलाइन pH कितना होगा, 7.4 है ना, एंड ओपेक, सर ओपेक का मतलब क्या होगा, परमेबल, पारदर्शी होगा, ओपेक, परमेबल सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सबस्टांस, क्लियर। आप एक ब्लड कंपोजिशन आप देखेंगे, प्लाज्मा है जो कि ना लिविंग रहेगा, जबकि ब्लड सेल्स है उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स है, RBC तो आपने उसका नाम बताया कि यूसोसाइट्स बोलते हैं, WBC तो लिकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ये आप जान चुके हैं है ना। फिर आप ये लिख लीजिए कि प्लाज्मा में 90% क्या होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है ना, प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है, जो मैं लिख दिया। अब थोड़ा सा बात करेंगे अपन लोग फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, आखिर ब्लड करता है क्या, क्लियर है, आप लोग समझ में भी आ रही होगी लगातार, तो आप लगातार नोट्स बनाते हैं है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तब आप क्लियर कॉन्सेप्ट होगा धीरे धीरे है नहीं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या करता है ना, बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, सुधर पड़ेगा कि क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, लिख रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस गैसेस लाइक क्या हो गया लाइक O2 and CO2 को क्या करेगा ये करेगा फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फिर जो बात देखेंगे हम लोग क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स एंड क्या मिनरल्स सीधी सी बात है इतना कुछ करेगा है ना रिस्पायरेटरी गैसेस लाइक है वो टू एंड सी ओ टू का करेगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स से विटामिन्स हो गया मिनरल्स सब करेगा ट्रांसपोर्टेशन फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी है ना ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीटरी वेस्टेस क्या रहेगा एक्सक्रीटरी ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीटरी वेस्टेस एक्सक्रीटरी वेस्टेस में जैसे क्या हो गया जैसे लाइक यूरिया यूरिया का फॉर्मूला को नहीं पता है पता है बता दीजिए NH2CO यूरिया हो गया क्लियर है तो हम इसको जान लेंगे अब ये भी लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन है ना ये भी लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स है हार्मोन्स का मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड में नहीं करेगा तो ही मैं लिखा दिया ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स फिर आप भी और देख लीजिए ब्लड प्लेटलेट्स ये मिल पॉइंट तो लिखा ही नहीं ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पिंग इसमें ब्लड क्लटिंग में करेगा कितना आसान है यार भाई जी है कि नहीं ब्लड क्लटिंग में कि क्या हो ड्यूरिंग इंजरी हो गया ड्यूरिंग इंजरी है ना यानी कि रप्चर हो गया तो वहाँ आपको दिखेगा फिर है WBC अगेंस्ट पैथोजन WBC है ना WBC फाइट अगेंस्ट पैथोजन WBC क्या करेगा वो आपको बीमारी से लड़ने का काम करेगा पैथोजन्स के विरुद्ध काम करेगा ठीक है आप देखते हैं कि RBC है तो इस प्रकार होगा बायोकॉन्केव RBC होता है बायोकॉन्केव है ना राउंड एक बायोकॉन्केव होता है दोनों के बीच में क्या होगा वो था सब वो रहेगा WBC जो होता है ना वो पता है यूनिवर्सल होता है अम्बिवाइट कर सकते हैं WBC है ना ये WBC हो गया आई आपका क्या हो गया RBC हो गया तो कुछ तो यहाँ बांट रहा आपका ब्लड के बारे में क्लियर है तो अब ब्लड के बारे में बात करने के बाद अब अपन लोग क्या बात करते हैं थोड़ा सा लिम्फ की बात करते हैं है ना तो हमारा इनर सोर्स है तो याद रहेगा फंक्शन ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस लाइक O2 एंड CO2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्टेज लाइक यूरिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स ब्लड प्लेटलेट्स हेल्पिंग ब्लड प्रोटीन ड्यूरिंग इंजरी में WBC फाइट अगेंस्ट पैथोजन बीमारी से क्या करेगा पैथोजन्स का मतलब टू प्रोड्यूस डिजीज सिग्नल बोलते हैं जी RBC है आपका क्या WBC है चलिए अब बात करते हैं अपन लिम्फ के बारे में तो आप लगातार नोट्स बनाते रहें जो भी हैव यू एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखता ना भूलिए है ना अब बात करते हैं अपन लिम्फ के बारे में लिम्फ क्या होता है ना लिम्फ बेसिकली क्या होगा इसकी नेचर की बात करेंगे तो कलरलेस इस लिम्फ का कोई कलर नहीं होता कलरलेस है ना लिम्फ क्या होगा कलरलेस बॉडी फ्लूड आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको टिश्यू फ्लूड बोलते हैं है ना नेचर क्या होगा लिम्फ का कलरलेस बॉडी फ्लूड आल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूड बोलते हैं ये कहाँ होता है लोकेशन है ना लोकेशन कहाँ होता है लोकेशन की बात करोगे तो इंटरसेलुलर स्पेस है ना क्या है ना इंटरसेलुलर स्पेस इंक नहीं चल रहा है कम हो रहा है क्या ठीक है सब ठीक है इंटरसेलुलर स्पेस लिम्फ वेसल लिम्फ वेसल ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम में देखने को यह हम
ओरिजिन, इसका ओरिजिन की बात कर रहा हूँ, ओरिजिन देख लेते हैं हम लोग, है ना, है ना। ओरिजिन देख लेते हैं कैसे होता है एलियन का ओरिजिन। कहता है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड, देखो ब्लड ही से ओरिजिन होता है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड एट एट सेलुलर, है ना, एट ए सेलुलर लेवल ड्यू टू सेलुलर लेवल, due to leakage of some blood component from fine blood capillaries. Clear? कंपोजिशन, कंपोजिशन बड़ा इम्पोर्टेंट है इसका, क्या क्या दिखता है इसमें, है ना। कंपोजिशन में देखिए कि सिमिलर टू ब्लड है ना, सिमिलर टू ब्लड, सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट 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 क्या आरबीसी नहीं होगा, आरबीसी एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन एंड सम प्लाज्मा प्रोटीन आपको यहाँ नहीं दिखेगा किसमें, लिम्फ में, क्लियर है। लेकिन इट हैज अबंडेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, इट हैज अबंडेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी दिखेगा। चलो अब फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है, बहुत हो गया। अब फंक्शन ऑफ देख लेते हैं हम लोग, क्या फंक्शन ऑफ लिम्फ क्योर करता क्या है, करता है अब फैट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, क्या करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का अब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। फैट सोल्युबल विटामिन इसमें क्या रहेगा, फैट सोल्युबल विटामिन, फैट सोल्युबल विटामिन फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम अ स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्लियर है। फिर एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन, हाँ इसमें इम्पोर्टेंट, एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन, एक्ट एज मिडिल मैन, मिडिल मैन बिटवीन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल, ब्लड एंड बॉडी सेल, ब्लड एंड बॉडी सेल सेल, है ना, अगेंस्ट पैथोजन, किसके पैथोजन में, अगेंस्ट, हो गया छोड़ देते हैं क्लास, अगेंस्ट पैथोजन हो गया, क्लियर। देख लेते हैं हम लोग, आप समझ में आ गया आपको ब्लड के बारे में, आप लिम्फ के बारे में, लिम्फ में देखें कि नेचर है, कलर प्लेस होगा, बॉडी फ्लूड है, कलर टिश्यू फ्लूड बोलनी है, लोकेशन कहाँ देखा, इंटरसेलुलर का मतलब क्या, दोनों के बीच का, इंटरसेलुलर स्पेस लिम्फ वेसल ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, लिम्फैटिक सिस्टम वाली मसल के बीच में दिखेगा। फिर ओरिजिन की बात, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड एट सेलुलर लेवल ड्यू टू लीकेज ऑफ सम ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम फाइन ब्लड कैपिलरी, यानी कि जो ब्लड रहेगा वो वहां से कुछ फाइबर लीकेज होगा तो बन जाएगा क्या, लिम्फ, लिम्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिखता है जी, सिमिलर टू ब्लड जैसा दिखता है, सिमिलर टू ब्लड जैसा दिखता है, लेकिन आरबीसी इसमें नहीं होगा, है ना, और कुछ प्रोटीन वगैरह भी नहीं होगा, लेकिन इसमें याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है। फिर फंक्शन की बात करें, अब्जॉर्प्शन एंड फैट्स, फैट सोल्युबल विटामिन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन का काम करेगा, क्लियर। एट एज मिडिल मैन ऑफ बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स, जो कि पैथोजन से क्या करेगा, आपको बचाने का काम करेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मसल सेल्स, आखिर एक मसल्स के अंदर आप क्या देखते हैं, क्या होता है मसल, क्या क्या करता है, उसकी फंक्शन क्या होता है, ऑल द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ट्राई करते रहें।